अब हम दिल्ली वाले घर में आ गए हैं और यहाँ आकर के सब एक साथ बैठे हुए हैं। सुबह सुबह दूसरे दिन आने के बाद ब्रश करते हुए अनवी और नवेली वो अनवी को ब्रश करवा रही थी और फिर मेरा जो क्रियाकलाप था वो सब कुछ शुरू हो गया। आप सबको पता तो है कि 5 फरवरी से मैं घर से बाहर ही रही हूँ और इतने दिनों के बाद घर वापस आई हूँ। अब घर में आई हूँ तो बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हैं कुछ बदली सी हैं, क्योंकि अगर घर में आप नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा ढीलापन तो हो ही जाता है। तो अभी पूरे घर को मुझे ठीक से तैयार करना है, क्योंकि अब नवेली और अनवी हमारे पास ही रहेंगी और क्यों रहेंगी ये आप सबको हम बताएंगे, बाद में बता देंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो लास्ट में मैं आप सबको बताऊंगी। फ़िलहाल तो सारे घर की जो बिखरा पड़ा हुआ है, अभी इस कमरे को पहले मुझे एडजस्ट करना है, इसलिए क्योंकि एक कमरे को अलग से तैयार करके रखना है, जितने भी कमरे हैं और सबको ये एक अलग से सेटअप तैयार करना है जिसमें कि नवेली रह सके आराम से, वो अपने ऑफिस का वर्क कर सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए करते हुए अभी मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है, शारीरिक भी और मानसिक जो मेरी मशक्क़त और मेहनत चल रही है वो साथ साथ चलती रहेगी। अगर आप लोगों का साथ रहेगा हमेशा, आप सब हौसला अफजाई करते रहेंगे, मुझे मालूम है कि कभी भी मेरी ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी भी बुरी स्थिति आई है तो आप सब हमेशा खड़े रहे हैं हमारे साथ। तो यूं ही अपना साथ बनाए रखिएगा। फिलहाल तो फिर सारे कपड़े उपड़े धोने थे और यहाँ अनवी अपने नाना के साथ लिस्ट बना रही थी कि उसको बाजार जाके कौन कौन सा फ्रूट लेकर के आना है। बहुत सारे डब्बे वगैरह रखे थे, आप सबको मालूम है कि मैं बॉक्सेस वगैरह जो बनाती रही थी तो इसके लिए मैंने इकट्ठा करके रखा था। पर अभी की परिस्थितियों में बहुत सारी दूसरी चीज़ों को मुझे एडजस्ट करना है, सब कुछ संभालना है, देखना है। तो फिलहाल क्या है कि इस तरह के कार्टन वगैरह जो मैंने रखे थे कि मैं एक कवर्ड लाइक कवर्ड बनाऊंगी, तो अभी इसको हटा देती हूँ यहाँ से, जिसको देना होना है वो दे देती हूँ। और पिछले 2-3 महीना से आप सबको मालूम है कि मैं बाहर ही रही हूँ, तो जितने भी ब्लैंकेट वगैरह थे वो सब धुलने के लिए जा ही नहीं पाया, मैं थी नहीं इसलिए। तो आज जो है उन सारे कामों को करके और जो आपने देखा इस कमरे की हालत, उसे साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना आज कर पाऊँगी कर पाऊँगी, वरना 1-2 दिन में पूरा इस कमरे को फिर से मुझे ठीक करना है, पहले की तरह एडजस्ट करना है। धीरे धीरे जितने भी कार्टन वगैरह थे उनको मैंने निकाल दिया, क्योंकि अभी तो जो हालात चल रहे हैं उन हालात में मैं क्या बैठ कर DIY कर पाऊँगी, शायद बहुत वक्त लगेगा। और घर से मैंने कहा कि जितने भी क्लटर जमा हुए पड़े हैं उनको सबको निकालती हूँ, क्योंकि हमें अपने दिल से अपनी ज़िंदगी से भी क्लटर को निकालना है। और इसकी शुरुआत मैंने जो सामने वस्तु दिख रहा था, सामान दिख रहा था क्लटर, तो डिक्लटरिंग करने के लिए मैंने शुरुआत की। अब उसके बाद सारा कुछ करके मैंने शावर लिया नहीं था, हम आ गए यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पे, क्योंकि 9:30 बज गया था और हम कह रहे थे कि एक सिस्टम के हिसाब से जो ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले, क्योंकि नवेली को ऑफिस भी ज्वाइन कराना है, अभी उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बैठ कर ऑफिस जा सके। तो उसने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने शायद उसको परमिट कर दिया है। और इसी में सारी चीज़ों को जो निपटारा करना है, निदान करना है, उन सारी चीज़ों के लिए हमें भाग दौड़ करनी है। अरे दोस्तों, जो ब्लैंकेट थे वो धोने के लिए मैंने बाहर रखा है, और जो रजाइयाँ हैं जो धो करके मैं रख के गई थी उन्हें अभी अब डाल देती हूँ। ये बैग मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, ये क्यारी सारी चीज़ें हैं, ये बैग है, ये लॉक है, और ये है पंप जिसके थ्रू हम इसको एयर टाइट करेंगे इस बैग में। तो ये इस तरह का बैग है, ये देखिए डाल के देखते हैं। अभी फर्स्ट टाइम में भी इसकी प्रैक्टिस में आऊँगी। एक पैकेट में 4 बैग ऐसे मुझे मिले हैं, तो कम से कम 4 ब्लैंकेट जो है एक बैग में आ जाएगा। अब इसको इसमें रखने के लिए बैग का साइज आप देख रहे हैं, अब ये मैंने इसको डाला और ये इस तरीके से साइज में कितना आ रहा है ये देखती हूँ। ये सबसे पहले ये वाला मैं डालती हूँ और इसके साइज को देखने की कोशिश करती हूँ, इसके साइज के हिसाब से इसके अंदर मैं पहले इसको इंसर्ट करती हूँ।
एक पैकेट में इन्होंने चार ऐसे बैग मुझे दिए थे, जिसमें एक ये जो आप देख रहे हैं ये बड़े साइज़ का बैग है, जिसमें कि आप बड़ी रज़ाई वगैरह या ब्लैंकेट आप डाल सकते हैं। तो मैंने पहले इसको प्रोसेस में किया, मैंने कहा कि इसे पहले करके देखते हैं। बाद में जो इसके अंदर इस एक पैकेट में तीन और जो बैग थे इस तरह वाले, वो छोटे साइज़ के थे, तो हमने कहा कि चलो पहले ये कर लेते हैं। थोड़ी मुश्किल हो रही थी, थोड़ा समझने में मुझे देर हो रही थी, लेकिन खैर जब मैं समझ गई तो बहुत आसानी से, बहुत आसान था। ये देखिए यहाँ से एक कैप लगा हुआ था बैग से, उसमें ये जो पंप है उसको लगा करके, और बाहर वाला जो है उसके लिए उन्होंने एक क्लिप दिया हुआ था जो बाद में मुझे दिखा, और इस तरह से आप पंप कर दीजिए तो अंदर का ये पूरा एयर जो बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से वो बिल्कुल पतले से शेप में आ जाता है। तो ये रखने के बाद मैंने दूसरे वाली जो एक और पतली वाली रनर थी और कंफर्टर थी, सॉरी, वो उसे भी मैंने इस तरह से पैक कर दिया। अब बारी थी इस कमरे में जितने भी ये वेस्ट मटेरियल हमने रखा हुआ था स्टोर करके, इन सब को बाहर निकालने की। तो धीरे 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 करके मैंने इन सारी चीज़ों को एक एक करके मैं निकालती चली गई और ठीक करती गई। अब यहाँ पे ये है कि मेरे पास ना अब ये फ़ोन भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो इसके जो म्यूज़िक वगैरह मैंने डाउनलोड माई लाइब्रेरी से करके रखा था वो सब डिलीट हो गया है। तो अभी यहाँ पे म्यूज़िक डाल पाने की स्थिति नहीं है। धीरे धीरे जैसे मेरी भी मानसिक स्थिति स्थिर होती चली जाएगी, उस तरीके से सारी चीज़ों को मैं वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। कितना मैं वापस ले आ पाऊँगी, कितना मैं कर पाऊँगी, इस सारी चीज़ों में ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ आप सबके भी आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अगर कोई कमी आप लोगों को वीडियो में दिखे तो उसको मेरे हिसाब से मेरा साथ देते हुए आप सब साथ बने रहिएगा, और वीडियो को पूरा देखने की आप सब कोशिश कीजिएगा। धीरे धीरे करके मैंने यही किया कि फ़ोटोग्राफ्स अलमारी को एक तरफ किया है। अब आज तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बीच बीच में मुझे और भी ये वाला ये जो टेबल है आपको याद होगा शुरू शुरू में मैंने ये गत्ते से कार्डबोर्ड से टेबल बनाया था ना, एक कॉर्नर टेबल, वही है, ऊपर का निकल गया है पर नीचे का स्टैंड जो है अभी भी बरकरार है। अब ये सारी चीज़ें वहाँ से जगह खाली किया मैंने, तो ये अलमारी थी उसको एक साइड में करना था, तो दोनों अलमारियों को मैंने एक साइड में किया है क्योंकि यहाँ पे एक बेड लगाने की ज़रूरत होगी। लेकिन अभी देखती हूँ, अगर इसी कमरे में मुझे मंदिर भी रखना है और रिकॉर्डिंग भी रखनी है, क्योंकि ये कमरा मेरा एक मंदिर रूम ही बना हुआ था, मंदिर बनाया हुआ था मैंने इसमें, और अपना वर्क करती थी, जो मेरा वर्क स्टेशन था रिकॉर्डिंग वगैरह का, छोटा सा स्टूडियो का सेटअप जो मैंने बनाया हुआ था वो इसी कमरे में था। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक बेड डालने की ज़रूरत है कि नहीं, या किस तरह से करना होगा। जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी आप सबके साथ शेयर करती जाऊँगी, और देखिए कि आपसे बातें करते करते मैंने इस अलमारी को खुद ही इस तरफ ला करके मैंने खड़ा कर लिया है। अब दूसरी वाली अलमारी के लिए भी जगह बना के मुझे उसे भी ला के इस तरफ खड़ा करना है, और फाइनली जब ये रूम मैं कर लूँगी तो आज के वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगी, मैं कल के वीडियो में ज़रूर आप सबके साथ मैं इसे शेयर करूँगी। आज हमारी अनवी ने डिमांड किया कि उसको पास्ता खाना है। अब ये स्पेशली रिम्पा आई है शाम के वक्त में, इसने कहा कि मैं बनाऊंगी पास्ता। बहुत दिनों से आप सबकी मुलाकात रिम्पा से भी नहीं हो पाई है, दो महीने हो गए पता है, दो महीने के बाद मैं वीडियो भी ढंग का भी बना रही हूँ। दो महीने से बिल्कुल छोटे छोटे पीछे बैंगलोर चली गई थी मासी के पास, और अभी इसके वजह से दो महीने के बाद वीडियो बना के डाल रही हूँ। तो बस अभी पास्ता बनाने की बिल्कुल रिम्पा तैयारी कर रही है, और मैं एज यूजल जैसे पराठा और सब्जी वगैरह खाऊंगी, और थोड़ा भी अपनी लाइफ को नॉर्मल करने में अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, बट बच्चे के लिए हम लोग जो है अपने आप को, अपने गम को, अपनी तकलीफ को दबा के अभी उसके सामने मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे सवाल हैं अनवी के, उस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, वो
पता नहीं क्या क्या सवाल करती है, फिर भी अभी 2-3 दिनों से यहाँ हमारे पास आई है तो बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है, खेल रही है। फिलहाल वो गार्डन में ऊपर पानी दे रही है अपने नाना के साथ। तो बस ये रिम्पा खड़े होके सुन रही है बातें, और अब चाय पी लो और उसके बाद तुम अपना पास्ता बना दो। चलो कम। She's also going down. दोस्तों अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका सपोर्ट हमेशा मेरे लिए बना रहा है, हमेशा आप सबने साथ दिया है, हर बुरे वक्त में आपने हमें संभाला है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना साथ यूँ ही बनाए रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे हर रोज़ मिलने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे चैनल की ग्रोथ आप सबके हाथ में है और मुझे चाहिए कि अभी मेरे चैनल की ग्रोथ अच्छे से हो सके। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का आप सब बहुत सारा ख्याल रखिए, मैं हमेशा आप सबको कहती हूँ कि सेहत का ख्याल रखिए, उसके पीछे बहुत बड़े मायने एक छुपा हुआ है। तो सेहत का ख्याल रखते हुए हमारा साथ बनाए रखिए। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।